सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका उस्ताद तैमूर बलोचर। यहां मैं आपके साथ मौजूद हूं एक न्यू वीडियो में। और फ्रेंड्स, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रिव्यू लेके आया हूं CD70 बाइक का, जिसमें मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि जैसे कि इसके आप ग्रैरी की मूवमेंट चेक कर सकते हैं कि इसकी ग्रैरी में मूवमेंट है बहुत ज़्यादा। बेसिकली इस बाइक में इशू ये था कि जब हम क्लच को छोड़ते थे तो बाइक एक तो झटका ले रहा था, उसके अलावा बाइक जो है थोड़ा सा झटका लेने के बाद जो है बाइक चल रहा था। तो अब हमने इसमें जो है इसका सोल्यूशन देखना है कि ये क्या इशू है, किसकी वजह से ये इसमें मूवमेंट आ रही है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका जो बैक व्हील है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके बैक व्हील को ओपन करेंगे। बैक व्हील को ओपन करने के बाद हम इसको मज़ीद चेक करेंगे कि इसमें क्या इशू है। बेसिकली ज़्यादातर जो इसका इशू आता है वो आता है इसके ड्रम जो बुशेज़ होते हैं, जो रबड़े होती हैं ड्रम की, उनका इशू आता है। और अभी जो है ये आप देख सकते हैं कि जो ड्रम की बुशेज़ हैं, रबड़े हैं, ये मेरे हाथ में हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इनको चेक करूँगा कि क्या इनमें कोई इशू है। तो जैसे कि मैंने उनमें देखा है तो उनमें कोई इशू भी मुझे नज़र नहीं आया। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रैरी और ग्रैरी का हब है, मैंने उसको कंप्लीट अपने दोनों हाथों से ग्रिप किया हुआ है। तो ग्रैरी का जो हब है उसको मैंने पकड़ के देखा है और ग्रैरी को मूव करके देखा है, तो उसमें मूवमेंट आ रही है, जबकि जो इसके बुशेज हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो यहाँ पर इसके ये जो आपको चार बोल्ट्स नज़र आ रहे हैं, इन बोल्ट्स में कोई इशू है। अभी हम इसकी जो ग्रैरी है उसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके उसको चेक करते हैं कि ये बोल्ट्स टूटे हुए हैं या ये बोल्ट लूज़ हैं, किस वजह से जो है ये चाल आ रही है। तो सबसे पहले आपने ये 24 नंबर और 22 नंबर की चाबी से आपने ये जो आपकी स्लीप का नट है इसको आपने रिमूव कर लेना है। आम रूटीन में इसमें दो किस्म के जो नट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, एक 24 नंबर का होता है और एक 22 नंबर का। तो जो आपके बाइक को इजीली एडजस्ट हो सके वो आपने 24 नंबर या 22 नंबर में से दोनों में से चाबी जो है वो आपने यूज़ करनी है। इसको यूज़ करते हुए आपने स्लीप को रिमूव करना है और आपने जो स्लीप का जो नट है उसको बहुत ही एहतियात के साथ रिमूव करना है ताकि वो वापसी पे भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको रिमूव कर लिया है, अब मैं यहाँ पर जो इसके स्क्रूज़ हैं उनको टाइट कर रहा हूँ। बेसिकली इसके जो स्क्रूज़ थे वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुके थे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो है इसमें मूवमेंट आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने इनको टाइट करके वापस वही पुराने जो बुशेज़ वगैरह हैं, ड्रम बुशेज़ बीच में हैं, मैंने वही जो है इंसर्ट किए हैं और उसी तरीके से वापस स्लीप को इंसर्ट करके मैं वापस इसको जो हब है ग्रैरी वाला और ग्रैरी को ज्वाइन करूँगा और और इसका जो नट है वो बहुत ज़्यादा इशू करता है। जब आप स्लीप के नट को एडजस्ट करते हैं तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको एडजस्ट करना है ताकि आपकी स्लीप जो है वो स्लिप ना हो जाए। और अगर आपकी स्लीप का नट जो है वो प्रॉपरली टाइट ना हो तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो स्लीप है उसको रिन्यू कर लें, उसको आप चेंज कर लें। तो यहाँ पर जैसे कि मेरी स्लीप जो है वो टाइट हो चुकी है, मुझे इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वापस अपने व्हील को वापसली ज्वाइन करूँगा और ज्वाइन करके उसके प्रॉपर जो एडजस्टिंग है वो करूँगा चैन को टाइट करने के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा ये जो बाइक है इसमें यही इशू था, इसके जो ड्रम बुशेज थे, मेरा माइंड में ये था कि उसके जो ड्रम बुशेज हैं उनमें कोई इशू है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे। और इसकी जो ग्रैरी है उसके जो चार बोल्ट्स थे वो लूज़ हो चुके थे, जिसकी वजह से ये जो बाइक जो है वो प्ले ले रही थी और बैक व्हील से इसकी आवाज़ आ रही थी। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पर इसकी जो जितनी भी सेटिंग है चैन की वो प्रॉपरली एडजस्ट कर दी है। तो इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेनी है।